आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी खबर। शिवपुरी से के पोहरी के ग्राम बुर्दा के समीप अपर ककेटोर डैम का निर्माण किया गया था। इसमें ग्राम बुर्दा के किसान संत चरण धाकड़ की जमीन को असिंचित बताकर उसे एसडीएम और जल संसाधन विभाग ने मुआवजा भी थमा दिया। जब किसान की जमीन सिंचित थी, किसान ने न्यायालय की शरण ली तो वर्ष 2019 में कोर्ट ने किसान को मुआवजा अदा करने के निर्देश दिए, लेकिन एसडीएम कार्यालय की लापरवाही के चलते किसान को मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीएम की कार कुर्क कर किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए और कार्रवाई भी 3 दिन के भीतर करने के सख्त निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम की कार को कुर्क किया गया। ग्राम बुर्दा के पीड़ित किसान का कहना है कि उसकी जमीन पर काकेटोर डैम के निर्माण में वर्ष 2014-15 में डूब क्षेत्र में आ गई थी, जिसके बाद उसकी जमीन को असिंचित बताकर मुआवजा दिया गया, जबकि किसान की जमीन सिंचित थी और किसान ने जब इसकी शिकायत एसडीएम और जल संसाधन विभाग को की तो उन्होंने उसका कोई निराकरण नहीं किया, जिसके बाद किसान ने न्यायालय की शरण ली और उसके बाद 2019 में किसान को 2,74,000 की राशि अदा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन एसडीएम कार्यालय की देरदारी के चलते किसान को मुआवजा नहीं मिल पाया, जिसके बाद न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीएम की कार कुर्क कर किसान को मुआवजा देने के निर्देश 3 दिन के भीतर दिए। किसान को कार की नीलामी कर 2,74,000 की राशि अदा की गई। हमने सर इसमें 2013 में एक केस लगाया था, डूब क्षेत्र से संबंधित हमारी जमीनें चली गई थी, जिसको मैंने पीएचई विभाग ने क्या कर दिया था, जो सिंचाई विभाग होता है, असिंचित कर दिया था, मतलब सिंचित जमीन को। मैंने एक बोर पर जिसपे 8 बीघा जमीन थी हमारी, उसमें से 3 बीघा असिंचित, 5 बीघा सिंचित का मुआवजा बना करके और नदी किनारे की पूरी जमीन असिंचित, मतलब इस तरह से हमने उसका केस लगाया। तो वो किस वर्ष में लगाया? मुआवजा ना मिलने के कारण केस लगाया। हाँ, मतलब कम मुआवजा दिया गया हमको, 20,000 रुपये और मिलते, जैसे 80,000 रुपये मिलते वहाँ 60,000 रुपये मिले, मतलब। तो उस वजह से हमने केस लगा दिया, मतलब लगभग 2014 में लगाया शायद, वो 2014 से आज 2022 में, मतलब इस तरह से आज एसडीएम कार्यालय में एसडीएम साहब की गाड़ी का कुर्की आदेश मेरे नाम, मैं संचरण धाकड़ पुत्र रामजीलाल धाकड़ सनोक रामजीलाल धाकड़ निवासी ग्राम बुर्दा। तो ये कुर्कीकरण के बाद गाड़ी किसके सुपुर्द की गई है? गाड़ी वो एसडीएम साहब ने ये बोला है कि जो है गाड़ी उन्हीं के ड्राइवर को दी गई है सुपुर्दगी में, कि आपका मुआवजे के लिए हम बोलते हैं विभाग से और जो है जल्दी आपका निराकरण करवा देंगे। मौके पर समस्तवान गाड़ी नंबर कितना इतना, उस पर एसडीएम लिखा है, स्कॉर्पियो कंपनी की रंग तकलीफ है, शीशे पर दो कल लगे हैं, गाड़ी खुलकी में ले ली हमने, मौके पर पंचनामा बनाया।